नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज इस नए वीडियो में और आज इस नए वीडियो में आप सभी को हम फिर से एक नई जानकारी नई अपडेट यहां पे बताना चाहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूलों में आर के अंतर्गत जो निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया है सत्र 2024-25 की इसके लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है तो इससे संबंधित पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे आप जो है आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं आवंटन सूची किस डेट में जारी होगी और यहाँ पे आप जो है प्रवेश कब से कब तक ले पाएंगे साथ ही इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं इससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें हम मुख्य पोर्टल ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आर के अंतर अंतर्गत जो यहाँ पे निजी विद्यालयों के लिए निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया है सत्र दो हज़ार के लिए इसका जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है अब आप आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे तो यहाँ पे हम मुख्य पोर्टल पर चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 फरवरी से 3 मार्च तक आप जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो 23 फरवरी 2024 से 3 मार्च 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो 24 फरवरी से 5 मार्च तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं और इसका जो रसीद है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं और साथ ही आप जो है इसी डेट के बीच में अपने नज़दीकी बीआरसी केंद्र में या जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आपको एक स्कूल का नाम दिया जाएगा या केंद्र का नाम दिया जाएगा उस केंद्र पर जाकर आपको सभी दस्तावेज सत्यापन कराने होंगे और सत्यापन कराने के बाद ही आपका यहाँ पर नाम जो है लॉटरी सिस्टम में आएगा तो लॉटरी सिस्टम किस डेट में जारी होगा तो सबसे पहले तो 23 फरवरी से 3 मार्च तक आप आवेदन करेंगे इसके बाद आपका 7 मार्च को जो है यहाँ पे जो लॉटरी सिस्टम है उसका पहला लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा तो 7 मार्च 2024 को आपका जो फर्स्ट मैट लिस्ट जारी होगा इसके बाद आप एडमिशन कब से कब तक ले पाएंगे तो यहाँ पे ग्यारह मार्च से आप जो है इसका एडमिशन ले पाएंगे तो आपको ध्यान रखना है 23 फरवरी से 3 मार्च तक आप आवेदन करेंगे 7 मार्च को आपके यहाँ पे आवंटन सूची जारी होगा और 19 मार्च तक आप जो है एडमिशन ले पाएंगे तो यानी 11 मार्च 2024 से तो 19 मार्च 2024 तक आप अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे और अपने स्कूल में जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और एडमिशन ले पाएंगे अगर आप इस बीच जो है अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसे स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं कोई दूसरा एडमिशन स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं स्कूल बदलना चाहते हैं तो आप जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं यानी फिर इसके लिए द्वितीय चरण होगा द्वितीय चरण के लिए आपकी चॉइस फिलिंग करी जाएगी तो यहाँ पर प्रवेश के लिए द्वितीय चरण जो है मार्च में होगा जिसकी डेट यहाँ पर दी गई है तो द्वितीय चरण के लिए आपको इक्कीस मार्च को जो है यहाँ पर रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित करी जाएगी स्कूलों की इसके बाद 22 से 26 मार्च तक जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे अपडेट कर सकेंगे स्कूलों को तो यहाँ पे 22 से 26 मार्च के बीच में आप सेकेंड चरण के लिए आवेदन करेंगे इसके बाद 28 मार्च को यहाँ पे आपका जो आवंटन सूची है वो जारी होगा 28 मार्च को आपका आवंटन सूची आएगा सेकंड और इसके बाद आप 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024 के बीच में अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे और स्कूल में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे दो चरणों में आपकी जो है प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी लेकिन इसके अतिरिक्त अगर रिक्त सीटें बचती हैं तो फिर आपका थर्ड राउंड यहाँ पे होगा अन्यथा यहाँ पे फिर जो है प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी अब आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ताकि आप इसमें आवेदन कर पाए तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है सबसे पहले कक्षा में प्रवेश लेने के लिए एज लिमिट की जानकारी दे दें अगर आपके बच्चे की एज तीन साल से अधिक होना चाहिए तीन साल से पाँच माह के बीच पाँच साल के बीच में है यानी बच्चे की जो जन्म तिथि है वो तीन साल से पाँच साल के बीच में है तो वो प्री प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं प्री प्राइमरी के लिए आवेदन कर पाएंगे इसके बाद अगर बच्चे की एज जो है चार साल और पाँच साल के बीच में है तो आप जो है प्राइमरी वन प्राइमरी टू के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अगर पाँच साल से सात साल के बीच में है तो आप इसके लिए कक्षा पहली में आवेदन करेंगे यानी पाँच साल से अधिक उसकी एज हो चुकी है और सात साल से कम है तो कक्षा पहली में आवेदन होगा अगर तीन साल से पाँच साल के बीच में एज है तो वो प्राइमरी एक प्राइमरी दो प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको दस्तावेज क्या क्या लगेंगे तो जो आपका मुख्य डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड तो बच्चे का आधार कार्ड होना अनिवार्य है अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है तो बच्चे के एडमिशन के टाइम आपको जो आवेदक है जो बच्चा है जो उसका आधार कार्ड लगेगा और उसका जो समग्र आईडी है वो समग्र आईडी आपको यहाँ पे देना होगा इसके बाद जो आप अगर एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लग सकता है जाति प्रमाण पत्र आप माता पिता का लग जाएगा और अगर एस सी एस टी कैटेगरी से नहीं आते हैं और आप एस सी एस टी ओ बी सी जर्नल किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास बी पी एल कार्ड होना अनिवार्य है यानी आपके पास जो राशन कार्ड है बी पी एल कार्ड है बी पी एल का जो पर्ची है जिस पर आपको राशन मिलता है वो होना चाहिए तब आप आवेदन कर सकते हैं इसके बाद आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लग जाएगा एस सी एस टी के लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा मूल निवास प्रमाण पत्र जो है माता पिता का लगेगा उसमें बच्चे का नाम होना अनिवार्य है इसके साथ ही अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं इसमें आपको छः पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी ऑनलाइन में तो आपका एक फ़ोटो लगेगा लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाएंगे एडमिशन के टाइम तो छः पासपोर्ट साइज़ फोटो लगेंगे इसके साथ ही अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है लगते हैं जैसे कि आपके यहाँ पे फोटो के अलावा माता पिता का आधार कार्ड भी लगता है तो यहाँ पे यह जानकारी भी आपको देनी होती है साथ ही यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा तो जो आवेदक सबसे पहले आवेदन करते हैं उन्हें जो है प्राथमिकता में पहले रखा जाता है और साथ ही उनका जो एड्रेस है वो स्कूल से कम से कम दूरी पर होगा तो आपको पहली प्राथमिकता वहाँ पर दी जाती है तो आप जो है फॉर्म कब से कब भरें जब आपको एडमिशन मिल जाए तो यहाँ पे जितने जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल करें यानी जितने समय पहले आप फॉर्म फिल करेंगे जितने जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतने जल्दी आपको स्कूल में एडमिशन मिलने का चांस होता है और साथ ही आपका जो एड्रेस है वो स्कूल के पास में है स्कूल के जितने पास में होगा उतने जल्दी आपको यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है और ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जो जानकारी है आपको एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम वीडियो भी देंगे ताकि आप जो है खुद स्वयं से आवेदन कर पाएंगे और इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करेंगे जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद